रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। दिया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर और एक गुब्बारा जो सदा गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर यानी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आयतन जो वैल्यूम है वह आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, चूंकि डी भी बटे डी आर को हम लिख सकते हैं, डी भी यानी भी के मतलब वैल्यूम आयतन। आयतन क्या होता है, गोला, गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई पाई आर क्यूब डी आर आर के सापेक्ष। तो 4/3 बाहर, पाई बाहर और डी आर क्यू बटे डी आर। तो यहाँ देखते हैं 65 से गुना, 3 है पावर, 65 से गुना और पावर में एक कम यानी 3 में एक कम होगा तो पावर 2 होगा। 3 से 3 गया और चूंकि आर जो था कितना था, 10। आर जो था वह 10 था, आर बराबर 10। आर का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 का 4 पाई का पाई आर आर स्क्वायर यानी आर की जगह 10 का स्क्वायर तो दादा की 100 और 100 में 400 गुना करेंगे यानी 400 पाई। और चूंकि आयतन है, आयतन का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर क्यू प्रति सेकेंड, ये हमारा हो गया आंसर।